भागलपुर नगर निगम के पार्षद दिखे आंदोलन के मूड में। भागलपुर नगर निगम के पार्षद अब आंदोलन का मूड बना लिए हैं, क्योंकि पार्षद का समस्या नगर निगम प्रशासन के द्वारा सुना नहीं जा रहा है। इसी को लेकर आज पार्षद एकता मंच के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नगर निगम के वार्ड संख्या 20 के पार्षद नंदीकेश संधिल्य, वार्ड 21 के पार्षद संजय सिन्हा, वार्ड संख्या 50 के पार्षद पंकज गुप्ता मौजूद थे। वार्ड 21 के पार्षद नंदीकेश सांडिल्य ने कहा कि नगर निगम साइन कंपनी को सफाई का जिम्मा सौंपा है, जो कंपनी अपना लेबर तो दूर नगर निगम का लेबर के द्वारा सफाई करवा रही है और अपना बिल को पास कर रहा है, इसका हम लोग पूजा और विरोध करते हैं। वहीं वार्ड 21 के पार्षद संजय सिन्हा ने कहा कि नगर निगम में मजदूर की राशि के साथ हेराफेरी नगर निगम प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है और आने वाले समय में ये शहर के लिए बहुत बड़ा घोटाला साबित होगा। वार्ड 50 के पार्षद पंकज गुप्ता ने कहा कि NIT के द्वारा 200 होल्डिंग पर 2 लेबर पूरा संग्रह करने के लिए दिया जाना था और हमारे वार्ड में कुल 32,009 होल्डिंग है, जिसमें सिर्फ हमारे वार्ड में 32 लेबर का जरूरत है और हमारे वार्ड में अभी 11 लेबर आते हैं, जिससे हमारे वार्ड में सफाई नहीं हो पाता है। इस कारण आज पार्षद एकता मंच ने विचार विमर्श करते हुए आज सफाई व्यवस्था ठप कर दिया था, लेकिन शादी विवाह के मौसम को देखते हुए आज तो हम लोगों ने सफाई व्यवस्था जारी कर दिया, लेकिन कल से हम लोग सफाई व्यवस्था ठप कर देंगे जब तक हमारे वार्ड में समुचित लेबर का व्यवस्था नहीं हो जाता। जी नमस्ते, सबसे पहले तो आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया बंधु सबको नमस्ते। आज हमारी तरफ से आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस सफाई के मुद्दे पर है। विगत एक साल बीतने को चला अब हमारा, इस एक साल में अगस्त महीने से सफाई की कंपनी आई है भागलपुर में, जिसको 2 जोन में बांटा गया है, वार्ड नंबर 13 से 14 से 32 एक तरफ में और 32 से 51 दूसरे में। तो हम लोग, ऐसा नहीं है कि किसी एक तरफ का काम हो रहा है, पूरा शहर आज गंदगी के ढेर पे बैठा हुआ है, त्रस्त है जनता। हर दूसरे दिन कभी छठ में समस्या, कभी दशहरा में समस्या, कभी दिवाली में समस्या। पार्षद को जैसे रोड पर रोक का हाथ देकर रोका जाता है अब कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, हाँ हो रहा है। हम लोगों के भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। कोई आदमी नहीं है जिससे हम बात कर सकते हैं, जिससे हम पूछ सकते हैं। ये जो कंपनी आई है, इनका ना तो कोई ऑफिसर, ना ही कोई आदमी है जो शहर में हम लोगों से बात करेगा या हम लोगों की समस्या का निदान करेगा। कुछ भी पूछा जाता है तो वो निगम के हवाले बात करते हैं, निगम में पूछते हैं तो वो कंपनी का हवाला देते हैं। आखिर हम लोग करें तो क्या करें? जनता ने वोट देकर इस बार चुनाव जिताया है और बड़े उम्मीद से जिताया है कि हम लोग अच्छे से काम करेंगे। युवा हैं, अनुभवी पार्षद हमारे साथ हैं, लेकिन ये जो कंपनी आई है, युवा जोश और अनुभव सब धरा का धरा ही रह जा रहा है। क्या परेशानी क्या हो रहा है? परेशानी ये है कि कंपनी जो आई है उसको नगर निगम एग्रीमेंट करा है। NIT के हिसाब से अगर हम काम देखेंगे तो प्रत्येक 200 होल्डिंग पे 2 आदमी को डोर टू डोर के लिए जिम्मेदारी दी गई है, यानी कि एक आदमी 100 घर देखेगा। जैसे हम अपना वार्ड मान लेते हैं तो मेरे वार्ड में 1780 होल्डिंग है, तो 18 लेबर डोर टू डोर होना चाहिए उस हिसाब से। 17 ही मान लीजिए, 17 लेबर डोर टू डोर होना चाहिए, लेकिन मेरे वार्ड में 3 लेबर डोर टू डोर जाते हैं। इनका वार्ड हमको लगता है भागलपुर में 38 नंबर के बाद सबसे ज़्यादा होल्डिंग वाला वार्ड है। कितना आपका है भैया? 3205, यानी कि 32 लेबर डोर टू डोर सिर्फ जाएंगे इनमें। वार्ड 50 में 3205 होल्डिंग है। जिस हिसाब से NIT और एग्रीमेंट तैयार किया गया है सफाई कंपनी के साथ, 32 लेबर चाहिए सिर्फ डोर टू डोर, घर घर जाकर कूड़ा संग्रह करने के लिए। अगर मानिए, और टोटल कितना आपके वार्ड में अभी लेबर है? लेबर टोटल अभी 14 है। 14 लेबर हैं जो झाड़ू भी लगा रहे हैं, मुंशी नाला भी साफ कर रहे हैं, टिपर में भी जा रहे हैं और डोर टू डोर कर रहे हैं। लेकिन जो कागज, मानिए अगर नगर निगम का एग्रीमेंट कागज देखा जाए तो उस कागज में इनके वार्ड में 32 लेबर सिर्फ घर घर ही कचरा। और अगर जिस NIT के हिसाब से नगर निगम ने जो NIT सेट किया है, उस NIT के हिसाब से ये कंपनी अगर लेबर देती है, तो मेरा दावा है कि भागलपुर इंदौर से कहीं पीछे नहीं रहने वाला। अभी क्या समस्या हो रहा है? समस्या ये है कि हर वार्ड में 2 से 3 लोग आते हैं लेबर डोर टू डोर, 3-4 जा रहे हैं। और ढंग से लेबर देखा जाए तो जहाँ 12-14 लेबर कंपनी आने के बाद हमारे वार्ड से लेबर काट लिया गया। पहले 24 लेबर थे हमारे वार्ड में, अब 17 लेबर हैं हमारे वार्ड में। लेबर कट करके किसी को किसी और भेज दिया गया, कोई सरकारी जगह पे चले गए, कोई पार्क में चले गए, लेकिन वार्ड में लेबर नहीं है। और लेबर की जब बात करते हैं तो उसमें भी एब्सेंट रिकॉर्ड रहता है।
हर दिन 2 लेबर 4 लेबर 6 लेबर एबसेंट रहते हैं। तो वार्ड इतना बड़ा, मेरा 4.5 किलोमीटर का अगर पेरीमीटर नापेंगे, परिमाप नापेंगे, तो 4.5 किलोमीटर है वार्ड संख्या 20 में। उसमें आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 10 लेबर 15 लेबर में पूरा वार्ड साफ कर दिया जाएगा? जनता को इस सब बात से कोई मतलब नहीं होता। जनता ने हमें वोट दिया है और पूरे उम्मीद के साथ वोट दिया है कि हम उनका काम करवा के रहेंगे। अब तो ये समस्या लग रही है कि अपने घर से हम लोगों को लेबर, अपने जेब से लेबर मंगवा के वार्ड कर, छठ में भी हमने ऐसा ही काम किया है, अभी हम क्रिकेट टूर्नामेंट करा रहे थे वहाँ भी हमको लेबर देना पड़ा था। वार्ड में लेबर नहीं है, निगम से हमको गैंग मांग के झाड़ू चलवाना पड़ रहा है। क्या कीजिए आगे? आगे हम लोग आज जैसे एक सांकेतिक हमने काम बंद करवा दिया था कि अगर काम नहीं होगा तो पूरा ही बंद कर दिया जाए। यहाँ स्टाफ घोटाला है, निगम उसको पूरा पेमेंट कर रही है अपने एग्रीमेंट के हिसाब से, यह कंपनी एग्रीमेंट के हिसाब से कोई काम नहीं कर रही है। दूसरी बात, पेमेंट इनको पूरा देती है नगर निगम, जितना इनका एग्रीमेंट में पेमेंट हुआ है, लेकिन लेबर को भी ये काट के पेमेंट देती है। तो ये साफ साफ जो बीच का घोटाला, जो लेबर नहीं आ रहे हैं उनका भी तो पेमेंट कंपनी उठा रही है, इसका जिम्मेदार कौन है? पूछने पर कोई आदमी ही नहीं है जो इस पे जवाब हम लोग को दे सकता है। जनता हमारे घर तक आती है सवाल जवाब करने के लिए। अब बस यही दिन बचा रह गया कि हमारा कपड़ा वपड़ा खींच कर हमको रोड पर लाया जाएगा कि आपसे काम संभव नहीं हो पा रहा है। अब इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? हम लोग आज इस मुद्दे पर सब साथ बैठे हैं। कल भी एक मीटिंग हुई थी, आज हमको लगता है अंदाज 15 से 16 वार्ड ने काम बंद करवा दिया था। फिर अपने वार्ड में शादी और लगन के सीज़न को देखते हुए सब पार्षद फिर से काम बोले कि अब कल एक बार अगर हम लोग सब फैसला करते हैं आज कि कल हम लोग फिर बंद करेंगे काम, और इसी तरह चलता ही रहेगा अंततः, जब तक कंपनी NIT के हिसाब से लेबर नहीं देगी यह काम नहीं बढ़ेगा आगे। भागलपुर नगर निगम में जब प्राइवेट एजेंसी कंपनी आई तो हम लोगों को लगा कि अब भागलपुर शहर में सफाई के मुद्दे पर यह भागलपुर शहर सबसे अव्वल होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसलिए ऐसा नहीं हुआ कि प्राइवेट कंपनी को जो NIT के आधार पर काम करने के लिए भेजा गया वह NIT के आधार पर काम नहीं कर रहा है। दुर्भाग्य इस बात का है कि NIT में उसको साफ लिखा हुआ है कि कंपनी को अपना कार्यालय होना चाहिए और वहाँ लोगों की शिकायत सुनने के लिए एक पदाधिकारी की नियुक्ति होनी चाहिए। कंपनी न कार्यालय खोल पाया, न कोई कर्मचारी नियुक्त किया, और आज भी नगर निगम के स्टाफ के बलबूते पर कंपनी चल रही है। इससे साफ जाहिर होता है कि नगर निगम के स्वास्थ्य प्रभारी के द्वारा कंपनी का के ऊपर वर्चस्व है और उसका आशीर्वाद प्राप्त है, जिसके कारण कंपनी आज तक टिकी हुई है। जहां तक प्रत्येक वार्ड में डोर टू डोर कलेक्शन जो होता था कूड़े का, वह भी बंद है। कूड़ा कहाँ फेंका जाएगा वह भी अभी निश्चित स्थान नहीं तय किया गया है। दुर्भाग्य तो इस बात का है कि जब हम लोग अस्थाई समिति में यह निर्णय ले लिए महापौर महोदया के आदेशानुसार कि सफाई ये एजेंसी को शीघ्र हटाया जाए, तो उसका आज तक प्रोसीडिंग नहीं निकला है। महापौर महोदया काफ़ी तकलीफ महसूस कर रही हैं और वह खुद अपने आप में असहाय महसूस कर रही हैं कि नगर निगम में लिए गए निर्णय का अनुपालन नहीं होना यह जनप्रतिनिधियों के लिए अपमान है। इसके विरोध में हम लोग ने निर्णय लिया है कि प्रत्येक वार्ड में आज सांकेतिक हड़ताल करवाए थे, कल प्रत्येक वार्ड के पार्षदों से जाकर मिलेंगे और उन वार्ड पार्षदों से भी आग्रह करेंगे कि आप लोग अपने अपने वार्ड में काम बंद कराइए, तब तक काम बंद कराइए जब तक कि NIT के आधार पर लेबर नहीं देता है। हम लोगों का उद्देश्य है, शहर अपना है, पदाधिकारी आज है कल चला जाएगा। हम लोग को जनता ने चुनाव जिता के भेजा है, हम लोग खड़ा नहीं उतर पा रहे हैं कि नगर निगम में सफाई के मुद्दे पर क्या जवाब दे जनता। यही हम लोगों का आज का ये उद्देश्य। सर्वप्रथम सभी मीडिया बंधु, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को सादर प्रणाम। आज ये परिस्थिति आ गई कि वार्ड पार्षद सबको भी अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जनता को अवगत कराना पड़ रहा है कि हमारे साथ क्या दुख और तकलीफ है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, एक प्राइवेट कंपनी जिसको बड़ी उम्मीद से निगम सरकार ने नगर निगम भागलपुर के लिए चयनित किया,
और आप इस शहर को साफ रखेंगे और आपका चयन बहुत ही गलत हुआ, दुर्भाग्यपूर्ण हुआ। विगत 2-3 महीने में निगम के कर्मचारियों द्वारा शहर को गोद लिया गया, तब ये शहर आज साफ दिख रहा था। दुर्गा पूजा हो, काली पूजा हो या छठ हो, हमारा वार्ड वार्ड नंबर 50 होता है जो दक्षिणी खंड है, और दक्षिणी खंड का जो स्थिति है वो पूरे भागलपुर में औसे स्थिति कहीं नहीं है। विडम्बना ये है कि पार्षद को नाले के पानी में बैठना पड़ा, तब निगम सरकार के कान पे जू देंगी, तब वहाँ गैंग लगा। आज वो रोड पूरा साफ है, पानी नहीं है। तो पार्षद कब तक अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे? ब्यूरोक्रेट्स इतना हावी क्रिएट है, वो क्रिएट कर दिया है कि पार्षद कुछ बोल नहीं सकते, अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं। ये कब तक चलेगा? जनता बहुत उम्मीद से हम लोग को चुन के लाई है और हम लोग का बस एक ही ग्रीवांश है, दूसरा कोई ग्रीवांश नहीं है हम लोग का। हम लोग का एक ही ग्रीवांश है कि हमको सफाई चाहिए। जनप्रतिनिधि वार्ड पार्षद की एकमात्र पहचान है सफाई। हम सफाई से कोई भी समझौता करने को तैयार नहीं है। या तो ये कंपनी NIT के हिसाब से काम करे या अपना बोरिया बिस्तर समेटे और यहाँ से निकल जाए। अब हम लोग इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। जिस गली से गुजरते हैं उस गली से वही शिकायत, आज नाली जाम है, आज झाड़ू नहीं लगा। भाई साहब हमारे पास स्टाफ ही नहीं दे रहा है, पूरे दक्षिणी खंड में सबसे बड़ा वार्ड हमारा है। नगर निगम में 51 वार्ड हैं जिसमें 38 नंबर वार्ड में 3290 और 50 नंबर वार्ड में 3205 है होल्डिंग संख्या। आप NIT के हिसाब से काम कीजिए। NIT के हिसाब से हमको 42 लेबर चाहिए, आपने दिया है 14, उसमें भी मुंशी है, उसमें भी ड्राइवर है, 2-3 डेली एबसेंट रहते हैं, 5 से 6 लेबर में हम कैसे कार्य कराएं? मिर्जान चौक से लेकर सुइलोक कॉलोनी तक क्या कीजिएगा आगे? आगे इस पर अब चर्चा होगी, कल हम लोग का विचार है, प्रमंडलीय आयुक्त से हम लोग मिलेंगे, इस बात से अवगत कराएंगे और जो भी डिसीजन होगा उस पर हम लोग सब साथ हैं और एकजुट होकर इस बार इस कंपनी को NIT के हिसाब से या तो काम करें या फिर ये कंपनी भागलपुर छोड़ने के लिए तैयार हो जाए।